नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं दसवीं कक्षा का इतिहास हिंदी माध्यम में। तो दोस्तों, आपने कभी न कभी भारत माता की मूर्ति देखी होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा भारत हमारा देश है, तो फिर ये भारत माता कौन है? ये जो भारत माता की मूर्ति या तस्वीर हमें अक्सर कहीं कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, ये कौन है? ये कहाँ से आई? क्या कभी सोचा इसके बारे में? आखिर ये औरत, एक महिला जो कि शेर पर सवार है, हाथ में कभी भगवा झंडा, कभी तिरंगा झंडा, कभी कुछ कुछ लिए, जगह जगह हिसाब से वो देखी जाती है, आखिर ये कौन है? ये मूर्ति, ये तस्वीर कहाँ से आया? ये प्रतीक कहाँ से आया, कैसे बना? तो चलिए दोस्तों, आज इसी पर बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल, मैं हूँ चंद्रशेखर और आपका स्वागत है दसवीं कक्षा के इतिहास में, जिसमें हम इसमें पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका लगभग आखिरी चैप्टर, इसके बाद एक और चैप्टर है, इसमें राष्ट्र की दृष्टि संकल्पना या दृष्टि कल्पना के बारे में बात करेंगे। अब जब यूरोप में अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण होने लगा था, एक राष्ट्र की बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, तो ऐसे में उसका एक मूर्त रूप आखिर लोगों को तत्काल समझ आया कि आखिर राष्ट्र क्या होता था, कि फ्रांस क्या है, जर्मनी क्या है, इटली क्या था। इसके लिए ला इटालिया, जैसे कि शब्द पिछले ला इटालिया, जर्मेनिया, इस तरह के शब्द आए, आखिर इसके लिए कहाँ से, कैसे कैसे ये बना? किसी भी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना तो आसान था, किंतु राष्ट्र का चेहरा कैसे बनाया जाए? 18वीं-19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा कुछ उन्होंने चित्रित किया। उस समय राष्ट्रों को एक नारी वेश दिया गया, जैसे हमारे यहाँ भारत माता है, वैसे जर्मनी में जर्मेनिया है, जर्मन राष्ट्र के लिए उन्होंने देश नारी रूप में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए नारी रूप को चुना गया। वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, असल जीवन में वो कोई महिला नहीं रही है, जैसे भारत माता है। वास्तव में कोई कभी भारत माता किसी देवी का अवतार या फिर कुछ ऐसा नहीं रहा है, एक कल्पना है, एक राष्ट्र की कल्पना के रूप में, एक स्त्री के रूप में, एक देवी के रूप में। वैसे ही आगे यहाँ भी देखना, यह तो राष्ट्र के एक अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का अब रूपक बन गया था, अब राष्ट्र का प्रतीक बन गया। कौन सा? एक नारी की छवि, एक महिला की मूर्ति जो थी, अलग अलग राष्ट्रों की पहचान बन गई। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भी नारी रूपक का इस्तेमाल किया, नारियों की प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया था। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों में व्यक्त किया गया। जैसा हम जानते हैं, स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था? लाल टोपी और या टूटी हुई जंजीर। और इंसाफ का, जैसे अक्सर हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि इंसाफ का था एक कोर्ट, जब भी फिल्मों में कोर्ट का सीन होता है तो आप देखते हैं कि जज साहब के सामने एक मूर्ति होती है, हाथ में तराजू, सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति होती है, हाथ में तराजू होता है और उसकी आँखों पर काली पट्टी बंधी होती है, वो भी एक महिला की मूर्ति होती है। इसी प्रकार नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियम दिया गया, जो कि मरियम से मिलता जुलता है। आपको पता होगा कि मरियम जो है, मरियम जीसस की माँ का नाम था, मरियम ईसा मसीह की माता का नाम था मरियम, और उसी से मिलता जुलता नाम मरियम दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उनके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मरियम की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के प्रतीक, एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तारतम्य स्थापित कर सकें। मतलब कि एक देवी की मूर्ति स्थापित कर दी जाती है ताकि आप मान सकें कि यही हमारी मातृभूमि है, यही भारत माता है या यही मरियम है। ऐसी स्थिति वहाँ की गई। मरियम की छवि सिक्कों, डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। अब देखने वाले, मतलब दृश्य अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया की यदि बात करते, ये है जर्मेनिया की फ़ोटो, सर पे किसी सॉरी
सर पे किसी पत्तों का एक मुक्ताज पहने हुए है। सर देख सकते हैं आप, जर्मेनिया की बात करें तो जर्मेनिया को देखें तो यहाँ पर सर पे किसी पत्तों का ताज पहने हुए है, मुकुट पहने हुए, क्योंकि जर्मन में जो बलूत है वो वीरता का प्रतीक है और एक वीर योद्धा की तरह ये इस मूर्ति का एक किया गया है, इसका कह सकते हैं विरूपण किया गया है, जिसमें हाथ में तलवार है, तिरंगा झंडा है, कवच धारण किए हुए है और सर पे बलूत वृक्ष की टहनियाँ या पत्तों का मुकुट है। अब चलिए इसमें देखते हैं कुछ अलग अलग जो दृश्य हैं और उसका क्या मतलब है। जैसे टूटी हुई बेड़ियां हैं, कुछ प्रतीक हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आज़ादी मिलना। वज्र छाप कवच जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक। बलूत की पत्तियों का मुकुट बहादुरी। तलवार मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली मतलब शांति की चाह। जैतून मतलब ऑलिव होता है। और तलवार की काला लाल और सुनहरा तिरंगा तो ये है 1848 में राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग की सूत्रपात। तो इस प्रकार एक अलग अलग प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया ताकि एक राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा सके और दिखाया जा सके, ताकि लोग अपने इस राष्ट्रीयता की भावनाओं को अपने अंदर अधिक से अधिक मतलब उभर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना अधिक से अधिक उभर कर सामने आए और एक एकता और अखंडता वाली जो विचारधारा है, एक दूसरे के प्रति एक एकता और बंधुत्व की विचारधारा आगे बढ़े। तो दोस्तों ये था हमारा इस चैप्टर का पाँचवा खंड। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो इसमें हम बात करेंगे यह हमारा राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, उसके बाद फिर हम आएंगे अब भारत में राष्ट्रवाद पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।